रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय सोबान यूट्यूब चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ सन फ्लावर सीड्स के बेनिफिट शेयर करूंगी कि जो सूरजमुखी के सीड्स यानी बीज होते हैं इनके क्या क्या फ़ायदे हैं, हमें ये क्यों यूज़ करने चाहिए। तो इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड की जाए वो अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो मैं आपकी दिल से बेहद मशहूर हूँ। तो चलते हैं वक्त ज़ाया किए बिना आज के इस ज़बरदस्त टॉपिक की तरफ, यानी सनफ्लावर सीड्स जो सूरजमुखी के जो बीज होते हैं इनके बहुत से फ़ायदे हैं। इनमें विटामिन्स, मिनरल्स और कैल्शियम का ये ख़जाना होते हैं, इन्हें ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और ये हार्मोन्स की प्रॉब्लम के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप में से किसी को हार्मोन्स की प्रॉब्लम है तो आप इन्हें ज़रूर खाएं। तो अगर आप कच्चे नहीं यानी ये कच्चे और भुने हुए दोनों खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको भून लेंगे तो इनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा बन जाएगा, ये ज़्यादा टेस्टी बन जाएंगे। आप इनको लें और आप किसी भी अपनी हर्बल शॉप से ख़रीद कर इनको भून कर यूज़ करें, ये इजीली आप भून सकते हैं। तो आप अगर खाएंगे तो आपके जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, कैल्शियम की कमी है वो भी दूर होगी और जो हार्मोन्स की प्रॉब्लम है वो भी इससे दूर होगी और आप इससे अपनी तमाम ये जो कमी है इसको दूर कर सकते हैं, यानी हार्मोन्स की प्रॉब्लम के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर किसी को हार्मोन्स की, किसी मेरी बहन को या किसी छोटी एज की लड़की को हार्मोन्स की प्रॉब्लम है तो वो इसे ज़रूर यूज़ करें। आप एक मुट्ठी भर रोज़ाना इसे खा लिया करें, इससे आपकी आस्ता आस्ता हार्मोन्स की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो अगर क्योंकि जो हार्मोन्स की प्रॉब्लम है इससे और बहुत सी मज़ीद प्रॉब्लम्स पैदा बन हो सकती हैं, क्योंकि हमें हार्मोन्स की प्रॉब्लम को जल्द अज जल्द सॉल्व करना चाहिए। तो अगर आपको आज की मेरी यूज़फुल वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।